सो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता देंगे कि मेरी आवाज आ रही है बच्चे, और स्क्रीन क्लियर है सभी को, है ना? स्क्रीन विजिबल हो रही है और मेरी वॉइस आ रही है, आवाज आ रही है आप सभी को। गुड गुड, सबको आ रही है। सो बच्चों, जैसे सभी बच्चों को पता है कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर वन पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, है ना? गुड इवनिंग गुड इवनिंग। इस चैप्टर में हमने बच्चे बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए। कौन से दो ज्वाइन कर रहे हैं क्लास? हाँ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसआरएन नंबर दोनों के डाल देना, ठीक है? गुड, ओके। हाँ सो बेटा, जैसे सभी बच्चों को पता है कि दो ज्वाइन कर रहे हैं क्लास। ठीक है बेटा, जितने भी मेरे बच्चे ऐसे हैं ना जो एक फोन से दो या दो से ज्यादा बच्चे ज्वाइन है, तो बेटा वहां पर एड एसआरएन का नंबर आता है ना, तो अपना अपना एड एसआरएन करके ना अपना नंबर जरूर डाल देना, तो आप दोनों, आप लोगों की अटेंडेंस लग जाएगी, ठीक है? और कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा सभी बच्चे, दो बच्चे हैं तो दोनों अपनी अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठना, ठीक है? चलो, यस ओके मैम। यस। सो बच्चों, जैसे आपको पता है हम क्या पढ़ रहे, चैप्टर वन पढ़ रहे हैं। इसमें हमने ऑलरेडी बच्चे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। ये टॉपिक्स आपके कहाँ हेल्प करते हैं करेंगे, ये सारे टॉपिक आपके मैथ की कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, है ना? नाइन्थ की टेंथ की मैथ करोगे उसको इजी बनाएंगे, ताकि आप इजिली समझ पाओ, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगर हम कहते हैं कुछ रूल्स होते हैं जैसे हर क्लास के, वैसे हमारी क्लास के भी रूल्स हैं, और जो हमारी क्लास के हर एक बच्चा बहुत अच्छे से फॉलो करता है, ठीक है? थैंक यू बच्चों उसके लिए। क्या रूल्स है हमारे? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन नहीं करना है। बच्चे एक बार सभी बच्चे मुझे चैट सेक्शन में बता दोगे क्या मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? बेटा अपने एक तो मोबाइल का चेक करो, आपके मोबाइल अगर धीमी आवाज आ रही है तो मोबाइल की आवाज बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, बाकी सभी को आ रही है बेटा, एक बार रीज्वाइन कर लो, मैंने टेक्स्ट भी किया है। अगर धीमी धीमी आ रही है तो भी आप अपने फोन का एक बार चेक कर लो और नेटवर्क वाली जगह पे बैठो, ठीक है? सभी को पता है कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर दे दो, आपका कोई डाउट है उसे लिख दो। आप क्या करोगे, तीन डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेजेस में जाओगे, यहाँ पर अपना बेटा डाउट लिख सकते हो। जब भी मैं बेटा कहती हूँ पोल में आंसर कर दो और सभी बच्चे मेरे आंसर करेंगे, कैसे? तीन डॉट पे जाओगे, एक्टिविटी में जाओगे, पोल्स में पहुंच जाओगे, एबीसीडी में से जो भी आंसर आपको ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए, ठीक है? बेटा पोल में आंसर हर एक बच्चे को देना है, उसी से मैं समझ पाती हूँ कि आपको कितना समझ आ रहा है ना। और बेटा सही गलत तो हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लगता है आप वो कीजिए, राइट? आपको जो ठीक लगता है पहले वो आंसर कीजिए, जिससे हमें अपनी गलतियां भी पता लगती है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। हम लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था कि परिमेय संख्याओं पे ऑपरेशंस। परिमेय संख्याएं क्या होती है, दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं एक बार। वो संख्याएं जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, क्यू जहां पर जीरो नहीं होता है, और पी और क्यू बेटा क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, है ना? पूर्णांक क्यों हम बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें आपके नेगेटिव वाले नंबर भी आ जाते हैं। मान लीजिए मैं माइनस दो बटे पांच लिख रही हूँ, है ना, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। दो बटे पांच भी परिमेय संख्या, सात बटे दो भी परिमेय संख्या, मतलब कहने का कि नेगेटिव वाले नंबर भी इसमें आ जाते हैं। इसीलिए इसका जमा घटा गुणा भाग थोड़ा सा अलग होता है, किससे, भिन्न से। होता वैसे ही है, बस यहाँ पर साइन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जो पूर्णांक के साइन होते हैं वही साइन का, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। हमने पिछली क्लास में देखा था कि मान लीजिए दो मेरे पास परिमेय संख्याएं हैं, उन्हें हम कैसे एक दूसरे से घटाते हैं। मान लीजिए बेटा मैं लिख देती हूँ यहाँ पर दो बटे पांच, मुझे इसमें से घटाना है सात बटे तीन, ठीक है, मुझे इससे घटाना है, तो मैं क्या करूंगी बच्चे, हम नॉर्मल एलसीएम जैसे लेते हैं वैसे एलसीएम लेंगे। पांच और तीन का एलसीएम सबको पता है, तीन से चला जाएगा, पांच एज इट इज, तीन एकम तीन, फिर पांच से जाएगा, है ना? तीन की गुना पांच से करेंगे कितना आ जाएगा, पंद्रह, एलसीएम आता है पंद्रह। अच्छा मुझे एक चीज बताइए सभी बच्चे चैट सेक्शन में, यस और नो में लिखना, क्या किसी बच्चे को एलसीएम में भी निकालने में अभी भी प्रॉब्लम होती है? अगर सबको समझ आता है एलसीएम निकालना तो यस लिख देना, और जिसको प्रॉब्लम होती है वो नो लिखना। कोई भी बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर होती है ना मैं दोबारा से सिखा दूंगी आपको, अलग से भी सिखा दूंगी। अगर मेरा कोई ऐसा बच्चा है जिसको अभी भी प्रॉब्लम होती है एलसीएम निकालने में, ठीक है, नहीं है, गुड गुड गुड। सो बेटा क्या करते हैं हम यहाँ पर, यस, सो हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख देंगे 15। अब 5 के टेबल में 15 कब आता है, 3 पे,
मल्टीप्लाई ऊपर कितना बेटा टू, तो मैंने यहाँ टू लिख दिया। माइनस थ्री के टेबल में 15 कब आता है बेटा, फाइव पे, मल्टीप्लाई में ऊपर है सेवन, तो मैंने यहाँ सेवन लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आएगा सिक्स, यहाँ आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 35। अब आता है मेन फंक्शन। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ तक सेम है। अब आपको पता हो तो नॉर्मली आपका ऐड होता है तो आप ऐड कर देते हो, है ना। यहाँ पर बेटा क्या होगा, देखो घटा हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो आप इसे माइनस कर दोगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 29। अब नंबर कौन सा बड़ा है बेटा, नंबर 35 बड़ा है ना, तो 35 का साइन क्या है, माइनस का है, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, बटे में 15। ये नंबर आगे कट सकता है, नहीं कट सकता किसी नंबर से, तो यही आपका सॉल्यूशन हुआ इन दोनों भिन्नों का। क्या, माइनस 29 अपॉन 50। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो? बेटा किसी को भी इसमें डाउट है तो मुझे बताना। ठीक है वही जिसे हम भिन्न की भिन्न से करते थे ना, भिन्न की भिन्न से घटाव करते थे, सेम वही है बच्चे, है ना। बट यहाँ पर हमें बस क्या ध्यान रखना है, प्लस माइनस में जो नंबर है वो कौन सा बड़ा है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, आगे बढ़ सकते हैं हम? चलो ठीक है। सो बच्चे ओके चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, कॉपी में करना और नोटबुक फिर मुझे शो करना। सभी पहले आंसर लिख देना फिर नोटबुक शो करना। मेरे पास है बेटा 5/7 और यहाँ पर है मेरे पास 15/2। ठीक है, आंसर कितना आएगा जरा बताना। चलो देखते हैं कितने बच्चे हमारे सही करते, गलत भी करते तो भी बात कोई बात नहीं, लेकिन करो, ट्राई तो करो, है ना। सही गलत तो हम बाद में देखेंगे, आप पहले ट्राई करो। बेटा सभी बच्चे ट्राई करना, हाँ सबका आंसर चाहिए मुझे इसमें, ताकि मुझे समझ आ पाए कि आपको बेटा कितना समझ आ रहा है ना। यस अच्छा, चैट सेक्शन में लिखते जाना और उसके बाद नोटबुक नोट दिखा देना। ठीक है ठीक है, मेरे एक बच्चे का आया, वेरी गुड। ओके, जो सैनी की आईडी से, वेरी गुड बेटा। हंसा जोया की आईडी से, वेरी गुड बेटा। ठीक है, और बच्चे भी दिखा दो, नोटबुक दिखाते जाओ। बेटा नोटबुक दिखाते जाओ। अभी मेरे दो तीन बच्चों ने ये दिखाई है, बाकी बच्चे भी दिखाओ भाई, क्या कर रहे हो। बेटा सही गलत की कोई बात नहीं, बस आप जो कर रहे हो वो दिखा दो। ओके वेरी गुड, अजीत सिंह की आईडी से जो बच्चा है, वेरी गुड बेटा। और बाकी बच्चे मेरे, बाकी बच्चे भी दिखा दो भाई जल्दी जल्दी। दिनेश कुमार की आईडी से, वेरी गुड बेटा। बेटा माइनस का साइन भी आएगा। एसके खेरा की आईडी से, वेरी गुड बेटा। मोहम्मद हुसैन की आईडी से, वेरी गुड बेटा। हंस हर्षित की आईडी से, वेरी गुड बेटा। ठीक है अच्छा, अब इसमें ना मेरे कुछ बच्चों ने अभी भी गड़बड़ किया है। ठीक है, मोहित की आईडी से, वेरी गुड बच्चे। देखो क्या मिस्टेक किया हुआ है। ओके केशव की आईडी से, वेरी गुड बच्चे। देखो मेरे कुछ बच्चों ने बहुत सही आंसर किया है, कुछ ने थोड़ी सी मिस्टेक किया है। ठीक है, देख लेते हैं बेटा। आपने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा 14। ठीक है, चार के पहाड़े में सात के पहाड़े में आपका 14 कब आता है, दो पे आता है। गुना में ऊपर कितना है, पांच, पांच माइनस दो के पहाड़े में सात कब आता है, सात, दो के पहाड़े में 14 कब आता है, सात पे। गुना में ऊपर बेटा है 15। ठीक है, सो मैंने यहाँ से किया ये 10 आ गया, 10 की माइनस करेंगे किससे,
15 सत्ते कितने होते हैं 105, है ना, 105 लिख दिया मैंने, बटे में 14 कर दिया। अब देखो 105 में से 10 घटाए कितना आएगा 95, ठीक है, पर नंबर तो बेटा 105 बड़ा है ना, तो माइनस का आएगा, ठीक है, और मेरे बहुत बच्चों ने जोड़ दिया है, बेटा माइनस का साइन था तो माइनस करना है, ठीक है, माइनस का साइन है, आपको माइनस करना है, बड़े वाले नंबर का साइन लगाना है। क्या मेरी बातें समझ आई है? क्योंकि मेरे दो तीन बच्चों का, हाँ जी बच्चे, इनके आगे तो माइनस और प्लस का तो निशान ही नहीं था, तो माइनस कैसा है? किसके नीचे आगे नहीं था बेटा, इसके आगे 105 के आगे ये रहा ना बीच वाला, ये इसी का साइन हो गया, और इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का है, प्लस माइनस तो आपको पता है, एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो माइनस होता है, यस और नो? यस मैम। ठीक है, इसीलिए माइनस हुआ। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? जितने कुछ बच्चों का मेरा गलत भी हुआ था, क्या उनको मेरी बातें क्लियर हुई हैं? यस और नो? यस मैम। चलो फिर एक क्वेश्चन अब आप लोग मुझे पोल में देंगे, ठीक है, चलिए चलिए। जिन बच्चों ने थोड़ा गलत किया था बेटा ध्यान दीजिए, आपको ऐड नहीं करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है, तो हमें ध्यान देना बीच वाले साइन पे कि आपका साइन है क्या, है ना। चलो आपको क्या करना है, 5/12 में से 33/8 को घटाना है, ठीक है, चलिए करिए जरा, 12 और 8 का एलसीएम लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आएगा, सभी बच्चे करेंगे, पहले कॉपी में कर लेना उसके बाद पोल में करना, ठीक है, और कॉपी मुझे शो कोई नहीं करेगा जब तक मैं नहीं कहूंगी, ठीक है। Yes. क्या कह रहे मैम? बेटा मैंने ये कहा है कि 5/12 में से आपको 33/8 घटाना है और पोल में आंसर करना है, पहले कॉपी में फिर पोल में, और कॉपी आप सभी को तब दिखानी है जब मैं बताऊंगी, ठीक है, पहले नहीं दिखानी है क्योंकि फिर अभी पोल का क्वेश्चन है ना, इसलिए। सभी बच्चे करेंगे पहले, है ना, 12 और 8 का एलसीएम ले लेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा पहले आराम से कॉपी में करो फिर पोल में करो, ध्यान से बेटा, फिर कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, ध्यान से कीजिए, है ना, प्लस माइनस या एलसीएम ले रहे हो ध्यान से लीजिए, वेरी गुड। सभी बच्चों को आंसर चाहिए मुझे, सही गलत बेटा हम बाद में देखेंगे, है ना, आपको जो ठीक लगता है पहले आप वो आंसर कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड बच्चे, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए, अभी भी मेरे कुछ बच्चे रुके हुए हैं।
वेरी गुड। अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे, चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, जो मेरा बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर दीजिए। 5 4 मैम 2 मिनट और दे दो। ठीक है बेटा, दे दिए, चलो बाकी जो मेरे बच्चे बचे हुए हैं ना 2-3 और, बेटा आप लोग भी करिए, अगर और टाइम चाहिए तो मुझे बता दो, है ना? क्योंकि बेटा आप ये कर क्वेश्चंस करते हो ना, इसी से आपको समझ आता है कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है? फिर मुझे समझ आ जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, फिर हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे, फिर अगली बार वो गलती नहीं होगी, राइट? वेरी गुड। वेरी गुड। चलो 5 सेकंड और दे रही हूं मैं अब, ठीक है? उसके बाद भी अगर कोई बच्चा रुकता है जो कर रहा है मुझे बताना फिर। 5 बस 1 मिनट और रुक जा। 4 ठीक है बेटा, मैं काउंट डाउन कर लेती हूँ, उसके बाद भी नहीं होता है आपका तो मुझे बताना। 3 2 1 0। चलो आप मुझे बताओ कौन कौन मेरा बच्चा बचा हुआ जो भी कर रहा है। गुड, डन सबका। अच्छा मोना खन्ना की आईडी से बेटा हो गया? हो गया। यस मैम। गुड गुड, चलो पॉल को करते हैं बंद और गुड और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है? जल्दी से अपनी नोटबुक दिखा दो मुझे सभी बच्चे, ठीक है? जितने बच्चे थे जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक दिखाओ, जल्दी जल्दी, ठीक है? भागमल सैनी की आईडी से वेरी गुड, अजीत सिंह की आईडी से वेरी गुड, निंजू की आईडी से वेरी गुड, दिनेश कुमार की आईडी से वेरी गुड, केशव की आईडी से वेरी गुड बेटा, पर्वत दलाल की आईडी से वेरी गुड बच्चे, मोहम्मद हुसैन की आईडी से वेरी गुड, एस के खेरा की आईडी से वेरी गुड, मोहित राजपूत की आईडी से वेरी गुड, हंसराज जोया की आईडी से वेरी गुड बेटा, और बाकी बच्चे मोहित की आईडी से वेरी गुड, एस के खेरा वेरी गुड बेटा, दिनेश कुमार वेरी गुड बेटा, और मेरा कोई बच्चा बचा है इसको दिखानी है, कि अभी कुछ बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने नहीं दिखाई है, ठीक है? देखो बच्चों सिंपल है, मेरे काफी मैं क्वेश्चन मैम बताऊं, काफी बच्चों ने इसमें आंसर बिल्कुल ठीक किया है, फिर भी मैंने ना 2-3 बच्चों ने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, तो मैं वो जो 2-3 बच्चों ने मिस्टेक किया है ना बेटा वो ध्यान से समझना आपने कहाँ पर की है, ठीक है? वेरी गुड बेटा, मैं अगले वाले क्वेश्चन में पक्का आपसे पूछूंगी, ठीक है? अभी जो 1-2 बच्चों ने गलती की है ना उनको वो गलती समझ आने दो, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पक्का मैं पूछूंगी आपसे, और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने मुझे खुद से बोला कि मैम मैं बताऊं, है ना? मतलब आपको कॉन्फिडेंट आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे कॉन्फिडेंट से बोलते हैं मैम मैं बताऊं, ठीक है? चलो 12 और 8 का एलसीएम बेटा ले लेंगे, है ना? 2 से जाएगा 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा, है ना, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 3 से जाएगा 1 1, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है? 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दिया 12, 8 दिया 24, ठीक है? तो 24 आ गया एलसीएम। अब 12 के पहाड़े में 24 कब आता है? 2 पे। ऊपर कितना है बेटा? 5। माइनस 8 के पहाड़े में 24 कब आता है? 3 पे। ऊपर कितना है बेटा? 33 लिख दिया। अब 10 माइनस 99/24, ठीक है? अब क्या करेंगे, प्लस माइनस है तो माइनस ही होगा, कितना आएगा? 89, ठीक है? अपॉन में 24। अभी नंबर कौन सा बड़ा है बेटा इन दोनों में से? 99 बड़ा है ना? तो 99 का साइन माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ बेटा? ऑप्शन नंबर सी। तो जो मेरे 2 बच्चों ने गलत किया था, क्लियर है बच्चे? क्लियर है? यस मैम। यस, पायल खान की आईडी से बेटा क्लियर हुआ? यस मैम। पर समझ आया कहाँ पर हमारी मिस्टेक हुई थी? यस मैम।
चलो, और मेरे एक दो बच्चों ने और गलत किया था, क्या समझ आया है? बेटा मैं इसलिए बोलती हूँ, पूछ रही हूँ, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन आप करोगे तो आप लोगों से गलती नहीं होनी चाहिए, है ना? यस, चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर देंगे सभी बच्चे मुझे। क्वेश्चन है 19/7 में से आपको घटाना है 21/5, ठीक है? 19/7 में से घटाना है 21/5। चलो, 7 और 5 का एलसीएम लो और कॉपी में करना है बेटा सबको पहले, ठीक है? जल्दी से कॉपी में करो, फिर पोल में करना है, ठीक है? और जब मैं कहूंगी तभी मुझे नोटबुक दिखानी है, उससे पहले कोई नोटबुक नहीं ओपन करेगा। चलो, वेरी गुड, पहले आराम से कॉपी में करो। सात और पांच का पहले एलसीएम ले लो बेटा। वेरी गुड बेटा, जल्दबाजी की रेस नहीं है, आराम से कॉपी में करो, ऑप्शन ढूंढो जो आपको ठीक लग रहा है, फिर पोल में जाके आंसर करो। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, उन्नीस बटे सात में से घटाना है 21/5। पहले एलसीएम लो 7 और 5 का, फिर पूरा सॉल्व कर लो, फिर देखो प्लस और माइनस में से क्या होगा, है ना? और कौन सा बड़ा नंबर है वो वाला आपका साइन आ जाएगा। Very good. Very good. अभी भी मेरे दो तीन बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, अगर उसके बाद भी बच्चों को टाइम चाहिए तो मुझे बताना, ठीक है? 5, 4 मैम 10 सेकेंड। अच्छा 10 सेकेंड करूँ? अच्छा 3, 2, 1 जीरो। अभी भी मेरा कोई बच्चा कर रहा है क्या? ऑनेस्टली बता दो, कोई बात नहीं, मैं टाइम दे दूंगी, क्योंकि अभी भी मेरे दो तीन बच्चे बचे हुए हैं। बेटा जल्दबाजी नहीं, मुझे बता दो, मैं टाइम दे दूंगी। अभी भी मेरे दो बच्चे बचे हुए हैं, बेटा कर रहे हो क्या? मैं समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में नहीं आया, लेट ज्वाइन करोगे तो कैसे समझ में आएगा बच्चे? टाइम से ज्वाइन किया करो सभी बच्चे,
आधी क्लास के बाद मत ज्वाइन किया करो, मैं आपको सभी को कहती हूँ 5:30 का टाइम है, 5:30 बजे सभी बच्चे ज्वाइन किया कीजिए। चलिए 5 से चैट को करते हैं बंद, सॉरी पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन, ठीक है। और मेरे को जल्दी से आंसर दिखा दो, और मेरे मोस्टली बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, ठीक है। और जिस बच्चे ने अभी लेट ज्वाइन किया, एक बच्चे ने और आंसर गलत किया है, तो अभी मैं उसको बताती हूँ कि कैसे क्या होगा ये क्वेश्चन में, ठीक है। हंसराज जो है कि आईडी से वेरी गुड बेटा, मोहित राजपूत वेरी गुड, निंजू की आईडी से वेरी गुड बेटा, साहिल कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, पायल खान की आईडी से वेरी गुड बच्चे, अजीत सिंह की आईडी से वेरी गुड, मोहम्मद हुसैन की आईडी से वेरी गुड बेटा, भागमल सैनी की आईडी से वेरी गुड बेटा, अजीत सिंह की आईडी से वेरी गुड, प्रवत दलाल की आईडी से वेरी गुड बेटा, हर्षित की आईडी से वेरी गुड बच्चे, एस के खेरा की आईडी से वेरी गुड, दिनेश कुमार की आईडी से वेरी गुड, केशव की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। सो देखो ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने आंसर बिल्कुल करेक्ट किया है, ठीक है, देख लेते हैं। देखो सिंपल था, हाँ बेटा चलता हूँ अब मैं किससे पूछू, मेरे तो सारे बच्चे बोलेंगे मैं बताऊं हाँ चलो कृष्ण जिस बच्चे को नहीं कृष्णा की आईडी से, चलो नेक्स्ट एक एक करके सबका नंबर आएगा बच्चों, ठीक है, एक एक करके अगले अगले क्वेश्चंस में सबके नंबर आएंगे, मैं याद रखूंगी, ठीक है। अभी मुझे जो बताएगा ना, ये कृष्णा कुमार की आईडी से बच्चा जो बोल रहा था मुझे नहीं समझ आया, बेटा अनम्यूट करो जरा, ठीक है। चलो 7 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 7 और 5 का 35 35, 7 के बाड़े में 35 कब आता है, 6 पे, हाँ 5 पे बेटा, घबराओ मत, कोई बात नहीं, घबराओ मत, आराम से बताओ, गलत होगा तो मैं हेल्प करूंगी, हाँ 5 पे, ऊपर कितना है बेटा 19 है ना, तो मैं गुना में 19 लिख लूंगी, माइनस 5 के बाड़े में 35 कब आता है, 5 या 5 से 35 को भाग करेंगे कितना मिलेगा, 7 ना बेटा, 7 5 5 7 35 गुना में ऊपर कितना बेटा 21, तो मैंने 21 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखो 19 को 5 से गुना करेंगे कितना आएगा, 5 × 45 5 यहाँ 4, 5 × 5 और 4 9, कितना आया बेटा 95, ठीक है। हाँ अब 21 की गुना 7 से कर दो कितना आएगा 147 बट्टे में 35। अब मुझे बताओ इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा, 147 में से 95 गया कितना आएगा बता दो जरा, बाकी बच्चे चैट सेशन में बता दो जरा कितना आएगा, करो बेटा 52 यस, ठीक है, बटे 35। अब नंबर कौन सा बड़ा है बेटा इन दोनों में से, 147 ना, 147 के आगे साइन कौन सा है, माइनस का, तो जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन आता है, ठीक है, तो माइनस 52/35, अब समझ आया, यस मैम, ठीक है। मेरे बाकी सभी बच्चों का ऑलमोस्ट सबका करेक्ट था, एक दो बच्चों का थोड़ा सा गड़बड़ था, ठीक है बेटा। हमेशा हम क्या देखते हैं, हमेशा क्वेश्चन को जब भी देखो ना उसमें करना क्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, आपको जोड़ करना है तो जोड़ लो, फिर उसके बाद साइन को देखो, ठीक है, कि प्लस होगा माइनस होगा, इसीलिए मैं कहती हूँ जब हमने चिन्हों के बारे में पढ़ा था पूर्णांक में, उन रूल्स को साइड में लिख लो, ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन करते हो ताकि आप जल्दी से देख पाओ, और जब प्रैक्टिस कर लोगे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, जैसे हमने दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना देखा, घटाना देखा, अब हम देखेंगे दो परिमेय संख्याओं को हम कैसे गुना कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो बेटा सेम जैसे भिन्न को गुना करना था ना, एक भिन्न को भिन्न से गुना करना, अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से, सेम वही है यहाँ पर, बस यहाँ पर साइन भी आ जाएगा, तो वो तो आपको आते ही है। देखो आपके पास है -6/5, इसके गुना आपको करनी है 4 से, तो आपको सभी को याद है ना कि आप क्या करते हो, इसके नीचे एक लगा देते हो, अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से, यही करते हैं ना हम,
जब हमने भिन्न पढ़ा था वही किया था वही यहाँ करेंगे। तो 6 की गुना 24, 4 से किया 24, 5 एकम 5। अब एक अब देखो साइन, अब हम देखेंगे साइन चिन्ह के बारे में। एक माइनस है, अगर माइनस की गुना बेटा प्लस वाले नंबर से हम करते हैं तो साइन कौन सा आता है याद करो, माइनस का। माइनस का यस, गुना के जो साइन, पूर्णांक के जो गुना के साइन थे बेटा देखो ये चार थे। प्लस की गुना प्लस से करते हो तो प्लस मिलता है, माइनस की गुना माइनस से करते हो तो भी प्लस मिलता है, माइनस की गुना प्लस से करते हो तो माइनस, प्लस की गुना माइनस से करते हो तो माइनस, राइट। यही चार थे ना, तो इसमें से इसने बोला माइनस की गुना प्लस से कर रहे हो तो माइनस का, तो मेरे पास कितना आ गया माइनस 24/5। वेरी सिंपल, सिर्फ रूल्स पूर्णांक वाले यूज होने साइन के लिए, और नॉर्मल आपको गुना करना है जैसे आप भिन्न में करते थे, अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से। समझ आया क्या मेरी बात, यस और नो? चैट सेक्शन में बता दो सभी बच्चे, इजी सा है ये तो, है ना, बहुत इजी है। चलो फिर ओके गुड, चलो फिर एक चीज और देखते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लो मेरे पास है 15/8, है ना, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 3/20 से, ठीक है, क्या करेंगे मैं, क्या करूंगी, क्या करेंगे हम, अंश की गुना बेटा अंश से कर देंगे और हर की गुना हर से। अच्छा इससे पहले मैंने आपको याद है ना एक बात और बताई हुई है, अंश और हर में बेटा कुछ कट जाता है तो हम उसे काट देते हैं, तो यहाँ पर कट सकता है क्या, कट सकता है कुछ अंश और हर में, यस। देखो 5 एकम 5, 5 × 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 से देखो 15 और 20 कट रहे हैं, तो मेरे पास आया 3 की गुना 3 से कर दो, 8 की गुना 4 से कर दो, 32 और 9/32। अब दोनों प्लस प्लस किया तो प्लस की गुना प्लस से करते हैं तो कौन सा साइन आता है, सिंपल आपके पास प्लस का साइन आता है, याद है ना, तो ये आपके पास आंसर क्या आया 9/32। अब क्या 9/32 आगे कट सकता है क्या किसी नंबर से, नो मैम, सो यही आपका आंसर हुआ, बिल्कुल सिंपल है, इजी। क्या अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं आप लोगों से, कॉपी दिखाओगे? यस मैम, यस मैम, बेटा चैट में प्लीज, चैट में, क्योंकि ऐसे एक बच्चा बोलेगा फिर दूसरा फिर तीसरा ना, फिर बहुत सारी नॉइस हो जाएगी, ठीक है। चलो मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपके पास है -27/4, इसकी गुना करनी है माइनस, है ना, -24/3 से। चलो बता दो जरा चैट सेक्शन में आंसर क्या आएगा, उसके बाद कॉपियां दिखाना सभी बच्चे, नोटबुक्स दिखाना अपनी। -27/24 इसकी गुना करनी है -24/3। बता दो जरा कितना आएगा, ठीक है देख लेते हैं। ओके ठीक है, पर्वत दलाल की आईडी से वेरी गुड बेटा, निंजू सैनी की आईडी से वेरी गुड, हंसराज जोया की आईडी से वेरी गुड बेटा, ओके दिनेश कुमार की आईडी से वेरी गुड, भागमल सैनी की आईडी से वेरी गुड बेटा, और बच्चे एस के खेरा की आईडी से वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, मोहम्मद हुसैन की आईडी से वेरी गुड बेटा, और बाकी बच्चे मोहित की आईडी से वेरी गुड बेटा। चलो मोना खन्ना की आईडी से बेटा अनम्यूट करना जरा, मोना खन्ना की आईडी से बेटा अनम्यूट करो जरा, चलो मिलके करेंगे, अनम्यूट करो, नहीं आएगा मैं हेल्प करूंगी। अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से, ठीक है।
अंश और हर में कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। तो यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या बेटा? देखो, यस, तीन एकम तीन, तीन ने 27, चार एकम चार, चार अठे 32, उधर नहीं, चार छिक 24, छह पे जाएगा ना, ठीक है। अब इतना कट गया, अब आपके पास आया माइनस नौ की गुना माइनस छह से बटे में एक गुना एक। अब नौ छिक 54 बटा एक। अब दोनों, अब देख लेते हैं साइन के बारे में बेटा, दोनों माइनस का, माइनस की गुना माइनस से करते तो कौन सा साइन आता है? प्लस, मैम प्लस, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ आपका? प्लस का 54 या फिर खाली 54, क्योंकि 54 बटा एक का मतलब तो 54 ही हुआ ना, 54 ही हुआ। बेटा साइन आप लास्ट में करा करो, पहले नॉर्मल सॉल्व कर लिया करो, अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से। अंश और हर में बेटा कुछ कट रहा है तो पहले काट लो। क्या मेरी बात समझ आई है किसी बच्चे को इसमें? डाउट किसी भी बच्चे को, थोड़ा सा भी डाउट बता दो, अगर है तो दोबारा ले लेंगे, एक और क्वेश्चन और ले लेंगे बच्चे, एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे हम। चलो ठीक है फिर, चलो फिर एक और, हाँ बेटा बोलो। मैं एक और समझा दो, एक और समझाऊ? चलो अभी मैं एक क्वेश्चन और देती हूँ। मान लो बेटा मेरे पास है 25 माइनस 25 बटे 7, इसके गुना आप लोगों को करनी है 35 से, बताओ जरा क्या आएगा, बता दो जरा क्या आएगा चैट सेक्शन में। साइन का बाद में डिसाइड करो, पहले नंबर्स जो है उन पे काम करो, है ना। माइनस 25 बटे 7, इसकी गुना करनी है 35 से। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, देखो बेटा मैंने आपको बताया इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब वन लगा लो, अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से, है ना। अंश और हर में बेटा कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, ठीक है। देखो सात एकम सात, सात पंजे 35, ठीक है। अब क्या है, 25 की गुना 5 से करोगे तो 125 आएगा, और नीचे एक की गुना एक से करोगे एक आएगा। अब देख लेते हैं साइन, एक माइनस का गुना है, एक प्लस का नंबर है, ये माइनस का है, ये वाला प्लस का है ना, 35 प्लस का है, माइनस का 25 है। तो प्लस की गुना जब हम माइनस के नंबर से करते हैं तो साइन बेटा माइनस का आता है हमेशा। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, माइनस 125। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? आप बेटा आप क्लियर हुआ मोना खन्ना की आईडी से जो बच्चा है बेटा? यस मैम। गुड, चलो फिर अभी मुझे सभी बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर दो, कहां पर बेटा? पोल में, ठीक है। चलो क्वेश्चन है बेटा, आपको तीन को गुना करना है माइनस 7/15 से, कर दो जरा, बहुत इजी है ना। पहले कॉपी में करो फिर पोल में करना, और जब मैं कहूंगी बेटा कॉपियां दिखानी है तभी कॉपियां दिखाओगे अपनी नोटबुक्स, आप मुझे जब मैं बोलूंगी तब दिखाना स्टार्ट कर, ठीक है। चलो कर दो जरा, ध्यान से बेटा, आराम से, जल्दबाजी की रेस नहीं है, मैं हमेशा यही कहती हूँ। अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से, अंश और हर में बेटा कुछ कट रहा है तो उसे काट लो। वेरी गुड, मेरे सभी बच्चे करेंगे, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लगता है पहले वो आंसर कीजिए।
वेरी गुड। Very good. अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए। Very good. बच्चे सभी आंसर करेंगे, सही गलत हम बाद में देखेंगे। आपको जो ठीक लग रहा है पहले वो आंसर कीजिए। वेरी गुड। अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, चलो 5 सेकेंड और ले लेते हैं, है ना। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 जीरो, फोन को करते हैं बंद और मैं बताऊं, चैट को कर देते हैं ऑन। मैं बताऊं इससे कितने बच्चों से सबसे तो नहीं पूछ सकती मैं। चलो मैं एक का नाम लेती हूँ, वो बच्चा बताऊं रैंडमली किसी एक बच्चे का नाम। नहीं बेटा अभी ऐसे तो बहुत सारे बच्चों ने लिया, मैं अब किसी एक बच्चे का नाम ले दूंगी तो फिर ठीक है। सो मैं नाम लेती हूँ ऐसी रैंडमली किसी एक बच्चे का, वो मुझे बच्चा बताना, ठीक है ना। ऐसा कर लेते हैं क्योंकि ऐसे मैं अगर एक बच्चे को यहाँ ही से पिक कर लूंगी तो फिर अनफेयर हो जाएगा बाकी बच्चों के लिए ना, ठीक है। ये मुझे कौन बताएगा, दिनेश कुमार की आईडी से जो बच्चा है, दिनेश कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा अनम्यूट करो और बता दो। यस दिनेश कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा अनम्यूट करो और बता दो जरा। प्रॉब्लम आएगी तो मैं हेल्प करूंगी। यस मैम, 3 को 15 से काटते हैं। 3 को 15 से काटेंगे, 3 एक 3 3 5 15, ठीक है। फिर क्या करेंगे बच्चे, 1 और -7 को गुणा कर देंगे, ठीक है। बट लेकिन अंश के इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो एक लगा देंगे। वेरी गुड। अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से, कितना हो गया बेटा, -7/5। वेरी गुड बेटा, ठीक है बेटा। मेरे जितने बच्चों ने बोला ना मैं बताऊं, वेरी गुड बेटा। मैं बहुत मतलब अच्छा लगता है आप लोग जब खुद से बोलते हो, ये कॉन्फिडेंट भी दिखाता है आप लोगों का कि हमारे क्लास के बच्चे कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। बट बेटा मैं एक का नाम लूंगी तो मेरे बाकी बच्चे भी तो नाराज हो जाएंगे ना, इसलिए मैं रैंडमली किसी का भी ले देती हूँ, ठीक है। तो आंसर बिल्कुल सही बताया बच्चे ने, कितना आएगा, -7/5। और मेरे सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट था इस क्वेश्चन के लिए। चलो फिर एक क्वेश्चन और मेरा पूछने का मन कर रहा है फिर, ठीक है। एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए, पूछ लो, ठीक है। पोल में ही करना है लेकिन, ठीक है। आपको 4/5 की गुना 5/7 से करनी है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट, अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से, अंश और हर में कुछ कट रहा है तो काट दो। और बेटा सेम पहले नोटबुक में करेंगे और उसके बाद पोल में करना है, और जब मैं कॉपी कहूंगी दिखाने के लिए तभी नोटबुक्स को आपको दिखाना है, ठीक है। चलो 4/5 इसकी गुना करनी है 5/7 से, सिंपल। वेरी गुड। वेरी गुड। अब मैं बताऊंगी बच्चे, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मेरे बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं अभी भी, है ना। आराम से पहले कॉपी में कर लो उसके बाद पोल में करो, ठीक है। वेरी गुड। मैं बताऊंगी, वेरी गुड बेटा। अभी तो बहुत आएंगे, सबसे पूछूंगी, डोंट वरी।
वेरी गुड। अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं बेटा, आराम से कर लो, कॉपी में करो, फिर उसके बाद पोल में करो, है ना। वेरी गुड। अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जो मेरा बच्चा बचा हुआ है कर लो, और अगर और टाइम चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है। 5 4 3 2 1 0, ठीक है। अभी भी मेरा एक बच्चा बचा हुआ है बेटा, कर रहे हो क्या? गुड। चलो फोन को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। इसमें मेरे हर एक बच्चे का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बहुत इजी था, सबका करेक्ट है, सबका, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जिसका गलत हो, हर एक बच्चे का मेरा करेक्ट आंसर है ना। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, हमारी क्लास के बच्चे तो इंटेलिजेंट है, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। आपको अंश की गुना अंश से करनी थी, हर की गुना हर से, और अंश और हर में कुछ कट रहा है तो बेटा काट दो, सिंपल दिख रहा था आपको, 5 से 5 कट रहा है ना। एक की एक से गुना करोगे, 4 की गुना 1 से 1 की गुना, 7 से 4/7, सिंपल। सबका आंसर करेक्ट था बेटा, जितने भी मेरी हमारी क्लास के बच्चे ने आंसर किया था, सब ने आंसर बिल्कुल करेक्ट किया था। मतलब आपको ये समझ आ गया है कि गुना आप ऐसे कैसे करते हो एक परिमेय संख्या होगी दूसरी परिमेय संख्या से, ठीक है। चलिए अभी बढ़ते हैं बच्चे आगे। जैसे हमने ये देखा ऐसे ही हम देखेंगे भाग, क्या बेटा? लेकर पूछ लो। हाँ अभी पूछूंगी बेटा, पर अब मैं पूछूंगी भाग का, क्योंकि गुना तो सबको आ गई है और पहले से ही आती थी, अपने भिन्न से भिन्न में जब हमने सीखा था तब भी आप लोगों ने किया था। अभी देखते हैं भाग के बारे में, ठीक है। अब भाग में क्या करना है बच्चे, सिंपल है ये भी बिल्कुल, अगर आपको भिन्न से भिन्न का भाग याद है ना तो ये भी बहुत इजी है। क्या करते थे हम उसमें, मान लीजिए मेरे को 16 से 2/7 को भाग करना है, मैं क्या करूंगी, याद है ना आप लोगों को, क्या करते थे हम सेकंड वाले नंबर का उल्टा व्युत्क्रम करते थे। यस उल्टा, वेरी गुड बच्चों, याद है मतलब, है ना। हाँ तो उल्टा, जिसको हमने नाम दिया था उल्टा करना, है ना, व्युत्क्रम करना। तो मैं क्या करती थी, 16 को 16 ही लिख देते थे, यहाँ पर भाग की जगह गुना का निशान, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 7/2। अब अंश, अब क्या बन गया, तो ये गुना ही बन गया, अब गुना तो सबको आती है। क्या करते हैं, अंश और हर में बेटा कुछ कट रहा होता तो हम काट देते, जैसे 2 एकम 2 2 8 16, है ना। अब 8 की गुना 7 से करेंगे कितना आएगा, 56। 1 की गुना 1 से 1, तो आंसर कितना आ गया बेटा, 56। बिल्कुल सिंपल, याद है ना, 56। हाँ किसी बच्चे को ऐसा है कि याद ना हो, ऐसा तो नहीं है ना, सबको याद है ये वाला कॉन्सेप्ट? नो मैम। क्या बेटा नहीं याद? मैम याद, एक मिनट। हाँ मैम याद है। अच्छा ठीक है। हाँ मोना खन्ना की आईडी से बेटा क्या कह रहे थे, याद है ना, ठीक है। अगर नहीं भी याद कुछ बच्चों को, या नहीं थे उस टाइम पे ज्वाइन किया था, तो अभी देख लो बेटा हम क्या करते हैं, जब भी हमने पहले पढ़ा था भिन्न से भिन्न की भाग करते हैं तो हम सेकंड वाले का व्युत्क्रम कर देते हैं, गुना का निशान लगा देते हैं, फिर तो गुना बन गया, अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से, अंश और हर में कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं तो फिर गुना करके लिख दो, राइट, सिंपल। चलो अभी अभी परिमेय संख्या है तो इसमें एक क्वेश्चन क्या आ सकता है बेटा, चलो माइनस वाला भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था ना, और माइन आपको पता है कि भाग के सारे रूल गुना वाले ही होते हैं, जो गुना में होते हैं ना, माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो प्लस का साइन आता है, प्लस की गुना प्लस से करते हैं तो प्लस का साइन आता है, माइनस की गुना प्लस से करते हैं तो माइनस का साइन आता है, तो वही भाग के रूल होते हैं, याद है ना सबको, यस और नो, यस और नो, सबको याद है। चलो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओ, 15 को भाग करके दिखाओ 3/4 से, क्या आएगा,
चलो और कॉपियां दिखा देना पहले करके, चैट सेक्शन में लिखना आंसर, फिर कॉपियां दिखाना सभी बच्चे। चलो देखते हैं कितने बच्चे हमारे, बेटा अटेम्प्ट कर जरूर करो, सही गलत तो हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लग रहा है वो ट्राई करो पहले ना, फिर देखेंगे हम। क्या बात है, चलो कॉपियां दिखा दो जरा, क्या किया आप लोगों ने। हाँ बहुत बढ़िया सभी की, यस मोहित की आईडी से वेरी गुड बेटा, हंसराज की आईडी, हंसराज जोय की आईडी से वेरी गुड बेटा, मोहम्मद हुसैन की आईडी से वेरी गुड बच्चे, निंजू सैनी की आईडी से वेरी गुड, दिनेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, है ना, अजीत सिंह की आईडी से वेरी गुड, एस के खेरा की आईडी से वेरी गुड, मोना खन्ना की आईडी से वेरी गुड बेटा, अजीत सिंह की आईडी से वेरी गुड बेटा, और बाकी बच्चे मेरे पायल की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, केशव की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, सभी ने बहुत सही किया, आंसर सबको पता था, बहुत इजी था। क्या करते हैं हम सेकंड वाले का व्युत्क्रम, जिसे हम हिंदी में हमने क्या नाम दिया है, उल्टा करके लिखना, है ना, अंश को हर बना देते हैं, हर को अंश बना देते हैं, और 15 की जगह 15 एक गुना का निशान। अब अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से, अंश और हर में कुछ कट रहा है, हां जी कट रहा है, क्या कट रहा है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, है ना, 5 की गुना 4 से करीब 20 आया, 1 की गुना 1 से करीब 1, तो 20/1 का मतलब क्या हुआ, 20 ही हुआ, राइट। क्या ये बात सभी को समझ आई है कि हम भाग कैसे कर रहे हैं, यस और नो, ये तो भिन्न के भिन्न से भाग जैसा ही है, बस अगर प्लस माइनस भी आ जाएंगे तो गुना वाले अप्लाई हम करेंगे, ठीक है बच्चे। मैम और पूछ लो। सो बेटा आज के लिए इतना ही, अच्छा आज के लिए बेटा इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पूछेंगे, ठीक है। अभी ले लेते हैं आप लोगों के डाउट्स एंड होमवर्क, ठीक है।